बुधवार है, श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। गौरी पुत्र गणेश है, गौरी पुत्र गणेश है, सबसे पहले पूजे जाते श्री गणेश प्रथमेश है, आपकी जय जयकार है, श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सुखदाता कार्तिक भ्राता आपके पिता महेश हैं, आपके पिता महेश हैं, काम क्रोध मद लोभ कुमारे हरते सकल कलेश हैं, महिमा परंपार है, श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। स्वामी देवा रूप चतुर्भुजधारी हो, रूप चतुर्भुजधारी हो, शुभ और लाभ है पुत्र तुम्हारे, संतन के हितकारी हो, लंबोदर अवतार है, श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। सुशोभित स्वर्ण मुकुट से गले पुष्प की माला है, गले पुष्प की माला है, सुशोभित स्वर्ण मुकुट से गले पुष्प की माला है, गले पुष्प की माला है, चंदा ललाट पे चम 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 के तन पे पीताम्बर डाला है, तन पे पीताम्बर डाला है, बुद्धि का भंडार है, श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है।
आज्ञा मान के तुमने देवों से संग्राम किया, देवों से संग्राम किया। शीश कटा दी तुमने लेकिन झुकने का नहीं नाम लिया, झुकने का नहीं नाम लिया। माँ का पहरेदार है श्री गणेश का वार है, सच्चा ये दरबार है, श्री गणेश को जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। गजानन गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। तुम्हें मनाते हैं गजानन, तुम्हें मनाते हैं। गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। पार्वती के लाला, आओ पार्वती के लाला, मूषक वाहन धुंध धुंधाला, मूषक वाहन धुंध धुंधाला, आओ पार्वती के लाला, मूषक वाहन धुंध धुंधाला, जप तुम्हारे नाम की माला, जप तुम्हारे नाम की माला, ध्यान लगाते हैं। गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। उमापति शंकर के प्यारे, उमापति शंकर के प्यारे, सब भक्तों के काज सवारे, सब भक्तों के काज सवारे, उमापति शंकर के प्यारे, सब भक्तों के काज सवारे, भक्तों के संग पापी भी तारे, भक्तों के संग पापी भी तारे, जो शरण में आते हैं। गजानन 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 कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। लड्डू पेड़ा भोग लगावे, लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी फूल चढ़ावे, पान सुपारी फूल चढ़ावे,
लड्डू पेड़ा भोग लगावे, पान सुपारी फूल चढ़ावे, हाथ जोड़ सब करे वंदना, हाथ जोड़ सब करे वंदना, भोग लगाते गजानन गजानन गजानन, कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। सूंड है लंबी कान है चौड़े, सूंड है लंबी कान है चौड़े, भक्तों के घर आते दौड़े दौड़े, भक्तों के घर आते दौड़े, सूंड है लंबी कान है चौड़े, भक्तों के घर आते दौड़े, लगते प्यारे सोने सोने, लगते प्यारे सोने सोने, पार लगाते गजानन गजानन गजानन, कर दो बेड़ा पार आज हम तुम्हें मनाते हैं। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश, सारे देवी देवताओं में जिनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है और जो अपनी बुद्धिमता और चतुराई के लिए जाने जाते हैं, हमारी आज की ये कहानी उनकी उसी बुद्धिमता के बारे में है जिसने ये साबित कर दिया था कि उनके जितना बुद्धिमान शायद कोई और नहीं। भगवान भोलेनाथ के दोनों सुपुत्र भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश जैसे ही युवावस्था में पहुंचे, उनके बीच एक छोटा सा विवाद हुआ और वो विवाद था शादी का। विवाद सिर्फ ये था कि पहले शादी किसकी होगी, कार्तिकेय की या गणेश की। भगवान शंकर ने एक शर्त रखी और उस शर्त को भगवान गणेश अपनी बुद्धिमानी से कैसे जीतते हैं, आइए सुनते हैं रविराज की सुमधुर आवाज में। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। मंगल करता विघ्न विनाशक, मंगल करता विघ्न विनाशक, शिव जी की संतान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही दोनों पुत्रों को बुलाए, शंभुदानी समझाए, पहले हो शादी किसकी, हमने है नियम बनाए, दोनों प्राणों से प्यारे, ओ मेरे राज दुलारे, सुन लो तुम शर्त हमारी, जो जीते बाजी मारे, कैसी शर्त रखे शिव शंभु,
कैसी शर्त रखे शिव शंभो, सुनो लगा कर ध्यान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, ये थी कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा शादी उसी की होगी। ये सुनते ही कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, मगर गणेश जी वो सोच में पड़ गए कि मेरा भारी भरकम शरीर और मेरी मूसक सवारी के साथ में इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले कैसे आ पाऊंगा। तब गणेश जी ने चतुराई से काम लिया और अपनी बुद्धिमता का प्रयोग करते हुए क्या किया, आइए सुनते हैं। गजानन घर को आए, तनिक ना देर लगाए, वो आसन सुंदर बिछा कर पिता माता को बिठाए। चरणों में शीश झुकाए, वो 56 भोग लगाए, पिता माता की परिक्रमा करके गणपति हर्षाए। शुभ विवाह पहले हो मेरा, शुभ विवाह पहले हो मेरा, मांगे ये वरदान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान। सोचते हैं और फिर अपने माता पिताजी की विधिवत पूजन करके दोनों की 7 बार परिक्रमा करते हैं और कहते हैं, लीजिए मेरी परिक्रमा तो हो गई। तब शंकर जी पूछते हैं, पुत्र गणेश तुम्हारी परिक्रमा कैसे हो गई, कार्तिकेय तो अभी आया नहीं और तुमने 7 बार परिक्रमा कर ली और वो भी इस पृथ्वी की। तो पुत्र तुम जल्दी जाओ और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जल्दी आओ, अगर कार्तिकेय पहले आ गया तो उसकी शादी पहले हो जाएगी। फिर तुम मुझसे मत कहना कि पिताजी आपने कार्तिकेय की शादी पहले कर दी, मैं वचनबद्ध हूँ बालक। ये सुनकर भगवान श्री गणेश ने अपनी बुद्धि का फिर से इस्तेमाल किया और आगे क्या किया, आगे की कथा में हम आपको सुना रहे हैं। गजानन बोले, पिताश्री बात ये मेरी सुनिए, झूठ नहीं बोल रहा मैं, मेरा विश्वास कीजिए। पिता माता की परिक्रमा जो कोई करके आए, पूरी धरती की परिक्रमा का फल वो पल में पाए। पूरी धरती की परिक्रमा का फल वो पल में पाए। मैंने पढ़ी ये सारी बातें, मैंने पढ़ी ये सारी बातें, कहते वेद पुराण। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान।
माता के प्रति भगवान श्री गणेश का ये प्यार देखकर भगवान शंकर उनकी बात को कैसे टालते, वो गणेश की शादी पहले करने के लिए राजी हो गए। भगवान शंकर ने भी सोचा, पुत्र गणेश की बात एकदम सही है, तीनों लोकों में माता पिता से बढ़कर और कोई ईश्वर है ही नहीं। जो माता पिता को पूछते हैं उनको किसी ईश्वर की जरूरत ही नहीं। जो बच्चे अपने माता पिता को प्रेम देते हैं भगवान उनसे प्रेम करते हैं। और इसके बाद भगवान शिव ने तुरंत विश्वरूप जी को बुलवाया और उनकी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश की विवाह की तैयारी शुरू कर दी। और जैसे ही ये बात तीनों लोकों में पता चली, सारे देवी देवता खुशी से झूम उठे और अंबर से फूल बरसाने लगे। आखिर भगवान भोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश जी की शादी जो हो रही थी, भगवान भोलेनाथ की ओर से सभी देवी देवताओं को नए निमंत्रण भेजा गया कि आप सभी आए और वर वधु को अपना आशीर्वाद दें। और उधर रिद्धि और सिद्धि भी अपना विवाह भगवान श्री गणेश के साथ तय सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आए हाय हाय, आखिरकार भगवान श्री गणेश उनके पति जो बनने जा रहे थे। देव दानव सब आए, अप्सरा नृत्य दिखाए, शादी की हुई तैयारी, सज रहे गणपति प्यारे। दूल्हा बन गणपति आए, रिद्धि सिद्धि मन भाए, शादी संपन्न हो गई, देवता फूल बरसाए। रिद्धि सिद्धि को पाकर हर्षित, रिद्धि सिद्धि को पाकर हर्षित हुए गणेश भगवान। गजानन बड़े ही बुद्धिमान, गजानन बड़े ही बुद्धिमान, प्रिय श्रोता, इस कहानी से हमें भगवान श्री गणेश जी की बुद्धिमता का तो पता चला ही, लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता चला कि भगवान श्री गणेश ने भी इस पूर्ण सृष्टि से भी ऊपर अपने माता पिता को रखा। और जो लोग अपने माता पिता को भगवान से ऊपर रखते हैं, भगवान उन्हें अपने दिल के करीब रखते हैं। और इसीलिए हम सबको भी अपने माता पिता जी की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। जय श्री गणेश। मेरे गणपति आ जाओ, मेरे घर पूजन है, मेरे घर कीर्तन है, मेरे गणपति आ जाओ। रिद्धि सिद्धि के संग में, रिद्धि सिद्धि के संग में शुभ लाभ को भी लाओ, मेरे घर पूजन है, मेरे घर कीर्तन है, मेरे गणपति आ जाओ। मेरे घर पूजन है,
सबसे पहले गणपत मैंने तुम्हें पुकारा है, सबसे पहले गणपत मैंने तुम्हें पुकारा है। तकदीर बदलने तुम, तकदीर बदलने तुम, एक बार तो आ जाओ मेरे घर, कीर्तन है मेरे गणपति आ जाओ। शुभ मंगल करता तुम, विघ्न के हरता तुम, शुभ मंगल करता तुम। लड्डूवन का थाल सजा, लड्डूवन का थाल सजा, प्रभु भोग लगा जाओ। मेरे घर पूजन है, मेरे घर कीर्तन है, मेरे गणपति आ जाओ। मेरे घर कीर्तन है मेरे गणपति आ जाओ। मुझको दर्शन देकर धन्य करो प्रभु जी, मुझको दर्शन देकर। मैंने दिल से पुकारा है, मैंने दिल से पुकारा है, एक झलक तो दिखला। प्यारे गणपति जी मेरे घर में पधारो आज, ओ प्यारे गणपति जी। रिद्धि सिद्धि संग लेके प्रभु जी आ जाना, रिद्धि सिद्धि संग लेके प्रभु जी आ जाना, आके मेरे सवारो काज, ओ प्यारे गणपति जी। मेरे घर में पधारो
से तुमको बुलाऊं, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं। भक्ति भाव से तुमको बुलाऊं, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं। भक्ति भाव से तुझको बुलाऊं, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं। सब देवों के सरताज ओ प्यारे गणपति जी, मेरे घर में पधारो आज ओ प्यारे गणपति जी। आपकी महिमा सबसे न्यारी, सुन लीजिए प्रभु विनय हमारी। सिद्ध के स्वामी देवा पूरण कर।
करता है गणपति महाराज। विघ्न के हरता मंगल करता है गणपति महाराज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। आपकी जय गणपति महाराज, आपकी जय गणपति महाराज। शुभ मंगल ही कराते हैं। सभी देवताओं से पहले गणपति पूजे जाते हैं। जहाँ जहाँ भी जाते हैं शुभ मंगल ही कराते हैं। भोग लड्डुवन का जो भी लगाए मनोरथ उसके पूर्ण हो जाए। भोग लड्डुवन का जो भी लगाए मनोरथ उसके पूर्ण हो जाए। एक दंत दयावंत प्रभु मूसक पर रहे विराज। एक दंत दयावंत प्रभु मूसक पर रहे विराज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। आपकी जय गणपति महाराज, आपकी जय गणपति महाराज। गणपति जी का सर काट दिया। व्याकुल हुई माँ पार्वती, तब शिव जी ने एक जतन किया। क्रोधित होकर शिव जी ने गणपति जी का सर काट दिया। व्याकुल हुई माँ पार्वती, तब शिव जी ने एक जतन किया। मस्तक हाथी का मंगवाए और गणपति के धड़ पे लगाए। मस्तक हाथी का मंगवाए गजानन के जीवन का फिर से नया आगाज। हुआ गजानन के जीवन का फिर से नया आगाज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। आपकी जय गणपति महाराज, आपकी जय गणपति महाराज। परिक्रमा गणपति बड़े सयाने थे। शादी है तो पूरी पृथ्वी के चक्कर साथ लगाने थे। माता पिता की करी परिक्रमा गणपति बड़े सयाने थे। शिव जी गणपति पे हर्षाए, रिद्धि सिद्धि से शादी कराए। शिव जी गणपति पे हर्षाए, रिद्धि सिद्धि से शादी कराए। सिद्धि सदन गज बदन विना जग पे आपका राज। सिद्धि सदन गज बदन विनायक जग पे आपका राज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरण करिए काज। आपकी जय गणपति महाराज, आपकी जय गणपति महाराज। Thank you.
इसलिए सब द्वार तुम्हारे आते हैं। आपकी कृपा से भक्त सभी बिन मांगे सब कुछ पाते हैं। शक की सवारी लीला बप्पा तुम्हारी न्यारी करते हो मोशक की सवारी लीला बप्पा तुम्हारी न्यारी। वंदन करु कर जोड़ के हे देवों के सरताज वंदन करु कर जोड़ के हे देवों के सरताज। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा पूरन करिए काज महाराज। आपकी जय गणपति महाराज। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। राम जी की धुन में श्री राम जी की धुन में। राम जी की धुन में श्री राम जी की धुन में। मोदक भोग लगाओ श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो संग में रिद्धि सिद्धि लाओ। 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 सुख आनंद बरसाओ श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। हनुमत आज पधारो देवा पवन वेग से आओ। 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 बल बुद्धि दे जाओ श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। ब्रह्मा जी पधारो माता ब्रह्माणी को लाओ। 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 वेद ज्ञान समझाओ श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। नारद आज पधारो छम 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 कर ताल बजाओ। नारद आज पधारो छम 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 कर ताल बजाओ। नारद आज पधारो छम 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 कर ताल बजाओ। नारद आज पधारो छम 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 कर ताल बजाओ। नारायण गुण गाओ श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। प्रेम मगन हो जाओ भक्तों राम नाम गुण गाओ। प्रेम मगन हो जाओ भक्तों राम नाम गुण गाओ। प्रेम मगन हो जाओ भक्तों राम नाम गुण गाओ। प्रेम मगन हो जाओ भक्तों राम नाम गुण गाओ। भक्ति में खो जाओ श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम जी की धुन में। गणपति आज पधारो श्री राम
सजाया, स्वागत में घी का दिया है जलाया, स्वागत में घी का दिया है जलाया, लड्डू भी है तैयार की भोग लगा जाओ। देवों से पहले तुम पूजे जाते, मंगल करता विघ्न हरता कहाते, मंगल करता विघ्न हरता कहाते, सब देवों से पहले तुम पूजे जाते, मंगल करता विघ्न हरता कहाते, मंगल करता विघ्न हरता कहाते, हम पे भी अपनी कृपा प्रभु बरसा जाओ। कीर्तन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ। दर्शन की आस लिए अपने मन में मगन हुए सारे भक्ति भजन में, मगन हुए सारे भक्ति भजन में, दर्शन की आस लिए अपने मन में मगन हुए सारे भक्ति भजन में, बुझ जाए नैनों की प्यास की तरस दिखा जाओ। कीर्तन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ। बस इतनी कृपा करो मेरे देवा, करते रहे हम सदा तेरी सेवा, करते रहे हम सदा तेरी सेवा, बस इतनी कृपा करो मेरे देवा, करते रहे हम सदा तेरी सेवा, करते रहे हम सदा तेरी सेवा, अरज करे रविराज हृदय में समा जाओ। कीर्तन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ, कीर्तन है मेरे घर आज गजानन आ जाओ, कीर्तन है मेरे घर आज गजानन आ चतुर्थी व्रत की कहानी सुनो लगा कर ध्यान। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। गणेश चतुर्थी व्रत की कहानी सुनो लगा कर ध्यान। गणेश चतुर्थी व्रत की कहानी सुनो लगा कर।
पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी, सुन लो बातें ध्यान से। विजय के विनय करो व्रत करके श्री गणेश भगवान से। भक्त जनों, पांडवों को वनवास काल में बड़ा कष्ट हुआ। उस कष्ट को दूर करने के लिए और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को गणेश चतुर्थी का व्रत करने को कहा, साथ ही साथ कथा भी सुनाए। व्रत करने की विधि बतलाए, द्रौपदी को भी कथा सुनाए। रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र थे बड़े ही महान। रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र थे बड़े ही महान। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी। चंद्र की प्रजा बहुत खुशहाल, भरा पड़ा था खुशियों से राजा का शासन काल। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम हरिश्चंद्र था, जिनके शासन काल में कोई दुखी और दरिद्र नहीं था। सत्यवादी हरिश्चंद्र के राज्य में अधर्म का नामो निशान भी नहीं था। धर्म की रक्षा राजा करते, दानवीर ना किसी से डरते। रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र थे बड़े ही महान। रघुकुल के राजा हरिश्चंद्र थे बड़े ही महान। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी। शर्मा था नाम, पूजा पाठ तपस्या करता रहता सुबह शाम। राजा
के शासन काल में एक ऋषि शर्मा नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ और ऋषि शर्मा कम उम्र में ही स्वर्गवासी हो गया। उसकी सुंदर थी संतान, पत्नी भी पतिव्रता महान। उसकी सुंदर थी संतान, पत्नी भी पतिव्रता महान। अल्पायु में ही स्वर्ग सिधारा, तन से निकले प्राण। अल्पायु में ही स्वर्ग सिधारा, तन से निकले प्राण। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी, मांग के लाए। गणेश चतुर्थी व्रत करती थी, बड़ी ही ध्यान लगाए। पुत्र पाले मेरे तो ब्राह्मणी, भिक्षा मांग के लाए। गणेश चतुर्थी व्रत करती थी, बड़ी ही ध्यान लगाए। भक्त जनों, पति का स्वर्गवास होने के बाद उसकी बुढ़िया पत्नी भीख मांग कर लाती और लड्डू बनाकर गणेश भगवान को भोग लगाकर चतुर्थी व्रत करती। पूजा करते समय हमेशा पुत्र को सुखी रखने का वरदान गणेश भगवान से मांगती। बच्चा खेलने बाहर आया। गणेश की मूर्ति गले लगाया, बच्चा खेलने बाहर आया। एक कुम्हार बच्चे को पकड़ के आवा में दिया डाल। एक कुम्हार बच्चे को पकड़ के आवा में दिया डाल। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी। प्रभु रक्षा करना आप। बच्चे को ना पाए बुढ़िया, रो रो करे विलाप। बुढ़िया बोली बच्चे की, प्रभु रक्षा करना आप। प्यारे भक्त जनों, एक दिन बुढ़िया का 5 वर्ष का अबोध बालक गले में श्री गणेश भगवान की मूर्ति डालकर खेलने आया। उसी समय एक कुम्हार बच्चे को बलि देने की इच्छा से उसे पकड़कर आवा में डाल दिया। बच्चे को ना पाए बुढ़िया, रो रो करे विलाप। बुढ़िया बोली बच्चे की, प्रभु रक्षा करना आप। जब कुम्हार ने आवा हटाया, खेलते हुए बच्चे को पाया। के मारे लगा कांपने, देख विधि का विधान। भय के मारे वो लगा कांपने, देख विधि का विधान। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण। आपकी जय हो गणपति जी,
आपकी जय हो गणपति जी। राजा के पास में आया, भरी सभा में राजा को सारी घटना बतलाया। डर के मारे वो कुमार राजा के पास में आया, भरी सभा में राजा को सारी घटना बतलाया। जब कुम्हार आवा हटाने लगता है तो देखता है कि आवा के अंदर बच्चा घुटने भर पानी में कमल के फूल के साथ खेल रहा है। ये सब देखकर कुम्हार डर जाता है और राजा के पास जाकर सारी घटना सुनाता है। राजा स्वयं जाकर देखे तो कुम्हार की बात सही निकलती है। बच्चे को घबराए, राजा मंत्रियों के संग आए, देख के बच्चे को घबराए। बुढ़िया बताई बात तो राजा बहुत किए सम्मान, बुढ़िया बताई बात तो राजा बहुत किए सम्मान। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण, आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी। वापस मिल जाए सुनो लगा कर ध्यान, मनोकामना पूरी हो ये व्रत है बड़ा महान। भक्त जनों, राजा बुढ़िया को अपने पास बुलाते हैं और बुढ़िया आती है सारी घटना बताते हुए कहती है कि ये सब गणेश चतुर्थी के व्रत का फल है जिसकी कृपा से मेरा पुत्र सुरक्षित है। ये सभी चमत्कार सुनने के बाद राजा अपनी प्रजा में घोषणा करते हैं कि आज से सभी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करेंगे। भक्त जनों, गणेश चतुर्थी का व्रत करने से भक्तों का धन ऐश्वर्य और वैभव वापस मिल जाता है और लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री गणेश कृपा बरसाते, व्रत करने से खुश हो जाते। गणेश चतुर्थी व्रत करेंगे राजा किए ऐलान, गणेश चतुर्थी व्रत करेंगे राजा किए ऐलान। श्रद्धा पूर्वक सुनने से हो जाता है कल्याण, आपकी जय हो गणपति जी, आपकी जय हो गणपति जी। रूप चतुर्भुज धारी गजानन, कर में लिए कुठार। भक्त जनों की रक्षा करते
असुरों का संहार। जय गणेश गिरिजानंदन रिद्धि सिद्धि के प्यारे, कृपा करो हे एक दंत हम आए शरण तुम्हारे। जय गणेश गिरिजानंदन रिद्धि सिद्धि के प्यारे, कृपा करो हे एक दंत हम आए शरण तुम्हारे। रिद्धि सिद्धि के प्यारे अष्ट विनायक रूप में प्रभु आपने जब अवतार लिया, असुर जनों को मार गिराया, भक्तों का उद्धार किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अष्ट विनायक रूप में प्रभु आपने जब अवतार लिया, असुर जनों को मार गिराया, भक्तों का उद्धार किया। मूषक सवारी लेकर आते जब जब भक्त पुकारे, कृपा करो हे एक दंत हम आए शरण तुम्हारे। रिद्धि सिद्धि के प्यारे सबसे बड़े हैं मात पिताए, सारे जग को बतलाए। मात पिता की सेवा करके गणाध्यक्ष का पद पाए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सबसे बड़े हैं मात पिताए, सारे जग को बतलाए। मात पिता की सेवा करके गणाध्यक्ष का पद पाए। बल बुद्धि विद्या दो चमकाओ किस्मत के सितारे, कृपा करो हे एक दंत हम आए शरण तुम्हारे। रिद्धि सिद्धि के प्यारे से भरते हो भंडार प्रभु, कार्य सिद्ध करके भक्तों पे करते हो उपकार प्रभु। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अन्न धन वैभव ऐश्वर्य से भरते हो भंडार प्रभु, कार्य सिद्ध करके भक्तों पे करते हो उपकार प्रभु। भक्त करे वंदन तेरा हे शिव शंभु के दुलारे, कृपा करो हे एक दंत हम आए शरण तुम्हारे। जय गणेश गिरिजानंदन रिद्धि सिद्धि के प्यारे, कृपा करो हे एक दंत हम
विधि सिद्धि के प्यारे।